प्रभु श्री राम के अपने नए मंदिर में विराजमान होने को अगर आज का दिन छोड़ दिया जाए तो मात्र एक दिन शेष है, यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इसके पहले अयोध्या को सजाया जा रहा है, सवारा जा रहा है। इस समय हम राम जन्मभूमि के गेट पर मौजूद है और मेरे पीछे की एक तस्वीर आप देख सकते हैं, एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर जिस तरीके से प्रभु श्री राम की बाल्यकाल की अवस्था की यहाँ पर एक तस्वीर लगाई गई है। उसके किनारे देश विदेश से मंगाए गए फूलों को यहाँ पर लगाया गया है। ये सामने जो आप गेंदे के फूल देख रहे हैं ये कलकत्ता से मंगाए गए हैं। अशोक वृक्ष की पत्तियां शुभ काम में उपयोग होती हैं। सामने आप देखिए कि किस तरीके से फूलों से, गुलाब के फूलों से ओम लिखा गया है। और इस तरीके के राम जन्मभूमि के जितने भी प्रवेश द्वार हैं वहां पर खूबसूरत फूलों से सजाने का काम शुरू हो रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो फूलों से उसका स्वागत होता है। और अयोध्या में एक बड़ा शुभ काम हो रहा है जब प्रभु श्री राम 550 सालों के बाद अपने नए मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत।